हाय व्यूवर्स, इस वीडियो में इस तरह की मिनी प्लास्टिक वायर बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस डिजाइन को चेकर्ड डिजाइन बोलते हैं। ये बैग बनाने के लिए मैं दो कलर की प्लास्टिक वायर्स यूज कर रही हूँ, पिंक और व्हाइट। आप जो कलर चाहिए वो यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक वायर्स आपको सारे लोकल स्टोर्स में या अमेजोन पे मिलेगा। और मेजरमेंट स्केल या इंच टेप एंड सीजर। पहले प्लास्टिक वायर्स को इस तरह रोल कर लेना है, तभी आपको बैग बनाने में इजी होगा। एक 4 टाइम्स रोल करने के बाद एक नॉट डाल लेना है। इस तरह की एक नॉट डाल के बाद दोबारा रोल करना है। हम प्लास्टिक वायर्स को कंप्लीटली रोल कर लेना है। इस तरह मैं सारे वायर्स को भी रोल कर चुकी हूँ। पहले हम पिंक वायर को 5 फीट कट कर लेना है। आप इंच टेप यूज कर रहे हैं तो 1.5 मीटर कट कर लीजिए। इस तरह मैं पिंक वायर को 12 पीसेस कट कर चुकी हूँ और व्हाइट वायर में 8 पीसेस कट कर चुकी हूँ। सारे 5 फीट कट कर चुकी हूँ। ये रोल में जो रिमेनिंग वायर्स है उसे मैं रनिंग वायर के लिए यूज करती हूँ। बैग बनाने में रोल में से वायर को बिना कट करे डायरेक्टली यूज करते हैं ना, उसे हम रनिंग वायर बोलते हैं। पहले ये रनिंग वायर को 2 फीट लेना है। दो फीट लेके इस तरह होल्ड कर लेना है, कट नहीं करना है। अब ये राइट साइड का वायर जो है वो रोल पे जॉइंट है, लेफ्ट साइड का वायर 2 फीट है। हम पहले जो वायर्स कट करे थे उसमें व्हाइट वायर को लेके इस तरह इक्वल फोल्ड कर लेना है। ये व्हाइट वायर को इस रनिंग वायर में जॉइंट करके एक बेसिक नॉट डालना है। बेसिक नॉट डालने की ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वो देखने पे आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अब एक बेसिक नॉट फिनिश हो गया, इसे अच्छी तरह टाइट कर लेना है। अब पहले कट करे थे ना उसमें से एक पिंक वायर लेना है, इस तरह इक्वली फोल्ड कर लेना है और ये राइट साइड में रनिंग वायर में जॉइंट करके एक नॉट डालना है। अब नेक्स्ट भी एक पिंक वायर लेके राइट साइड में जॉइंट करके एक नॉट डालना है। अब नेक्स्ट भी एक पिंक वायर को जॉइंट करके नॉट डालना है। हम सारे नॉट्स को भी राइट साइड में रनिंग वायर में ही जॉइंट करना है। अब पिंक में 3 नॉट्स भी फिनिश हो गया। हम फर्स्ट नॉट व्हाइट वायर यूज करके डाले थे, बाकी 3 नॉट्स भी पिंक वायर यूज करे थे। अब नेक्स्ट भी व्हाइट वायर यूज करके नॉट डालना है। व्हाइट वायर को भी पहले के जैसे ही इक्वली फोल्ड करके नॉट डालना है। अब नेक्स्ट नॉट भी व्हाइट में ही डालना है। नेक्स्ट 3 पिंक नॉट्स डालना है।
उसके बाद दो व्हाइट नट्स डालना है और फिर से 3 पिंक नट्स डालना है। यही तरह पैटर्न फॉलो होगा। मैं एक लाइन फिनिश करे के बाद मैं आपको बताती हूँ। मैं इसी तरह पहले कट करे थे ना वो सारे 20 वायर्स को भी यूज करके नट्स डाली हूँ। इस लाइन में फर्स्ट नॉट व्हाइट है, बाद 3 पिंक नॉट्स है और 2 व्हाइट नॉट्स है। यही पैटर्न फॉलो हुई है और लास्ट में व्हाइट नॉट है। अब ये एंडिंग में जो रनिंग वायर है उसे 2 फीट कट कर लेना है। अब बेस का फर्स्ट लाइन फिनिश हो गया। अब सेकेंड लाइन डालना है। अब वही रोल में से पिंक रनिंग वायर को लेना है। हम पहले लेफ्ट साइड में 2 फीट का वायर छोड़े थे ना, उसके ऊपर इस रनिंग वायर को इक्वली रख लेना है। इस तरह रख के फोल्ड करके फर्स्ट वायर में जॉइन करके एक बेसिक नॉट डालना है। अब एक नॉट फिनिश हो गया। अब सेकेंड वायर में जॉइन करके नॉट डालना है। पहले फोल्ड कर लेना है, इस डायरेक्शन में फोल्ड कर लेना है। बाद ऊपर का वायर को फोल्ड करके नीचे का वायर को इंसर्ट करके नॉट डालना है। इसी तरह ये रनिंग वायर के साथ इस सारा 20 वायर्स को भी जॉइन करके नॉट डालना है। पहले रनिंग वायर को लेफ्ट साइड में फोल्ड करना है, ऊपर का वायर को ऊपर से फोल्ड कर लेना है, लेफ्ट साइड का वायर को राइट साइड लेना है और नीचे का वायर को ऊपर इंसर्ट कर लेना है। यही तरह सारे नट्स डालना है। ये बेसिक नट आप सीखने पे ये बास्केट आप आसानी से डाल सकते हैं। आपको बेसिक नट में कुछ डाउट रहा तो मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ये सेकेंड लाइन भी फिनिश हो गया। ये एक्स्ट्रा रनिंग वायर को पहले कट करे थे ना उसी लेंथ में कट कर लीजिए। अब ये सेकेंड लाइन फिनिश हुआ है ना, इसे टर्न कर लेना है। अब यहां से नॉट डालना है। पहले के जैसे ही पिंक रनिंग वायर को लेके पहले का वायर जो लेंथ है उसी लेंथ लेके नॉट डालना है। इसी तरह ये लाइन एंडिंग तक नॉट्स डाल के फिनिश करना है। अब थर्ड लाइन कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब एक्स्ट्रा जो रनिंग वायर है उसे पहले के जैसे ही कट कर लेना है। अब फोर्थ लाइन व्हाइट रनिंग वायर में डालना है। व्हाइट रनिंग वायर को प्रीवियस वायर का लेंथ छोड़ के नॉट्स डालना है।
इसी तरह रनिंग वायर में ये लाइन का सारे वायर्स को भी ज्वाइंट करके नॉट डालना है। अब मैं फोर्थ लाइन कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये एक्स्ट्रा व्हाइट वायर को पहले के जैसे ही कट कर चुकी हूँ। अब इसे टर्न कर लेना है। टर्न करके यहाँ से व्हाइट रनिंग वायर में नॉट्स डालना है। पहले के जैसे ही व्हाइट रनिंग वायर को प्रीवियस वायर का लेंथ भी छोड़ के नॉट्स डालना है। इसी तरह ये लाइन एंडिंग तक कंप्लीट करना है। अब ये फिफ्थ लाइन मैं व्हाइट रनिंग वायर में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये एक्स्ट्रा रनिंग वायर को पहले के जैसे ही कट कर लेना है। अब हमारे बैग का बेस कंप्लीट हो गया। इसमें यहाँ से 20 नॉट्स है और यहाँ से 5 नॉट्स है। अब ये बैग का फर्स्ट रो डालना है। पहले ये व्हाइट रनिंग वायर को लेके इस नॉट में थोड़ा सा इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करे के बाद ये रनिंग वायर को फोल्ड करके इस तरह फोल्ड कर लेना है और ये पहले के वायर में जॉइंट करके नॉट्स डालना है। इसी तरह नॉट डाल के हम ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। मतलब फर्स्ट नॉट डाले थे ना, उससे पहले तक नॉट डाल के कंप्लीट करना है। ये लाइन का एंडिंग में हमें टर्न करना है, इसलिए मैं वहां तक नॉट्स डाले के बाद मैं आपको बताती हूँ। अब ये कॉर्नर तक मैं नॉट्स डाली हूँ। ये नेक्स्ट साइड में जो वायर है उसे भी जॉइंट करके नॉट्स डालना है। ये भी वही मेथड ही है, पर जो नॉट्स आपको ये कॉर्नर में मिलती है वो ट्रायंगल का शेप में रहना है, तभी आपको डिजाइन परफेक्ट आएगा। देखिए यहाँ अब हमने ट्रायंगल का शेप में 3 नॉट्स मिला है, 3 व्हाइट कलर नॉट्स। आप अच्छी तरह टाइट करके नॉट्स डालना है, तभी आपको इस तरह ट्रायंगल का शेप मिलेगा। अब यही तरह नेक्स्ट वायर को ज्वाइन करके नॉट्स डालना है। उसके बाद मैं सेकेंड कॉर्नर डालने का बता दी हूँ। अब ये कॉर्नर में
ये नेक्स्ट वायर को ज्वाइंट करके नॉट डालना है। यहां भी हमने ट्रायंगल का शेप मिलना है। हम इसी तरह नॉट डाल के जहां शुरू करे थे वहां तक कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट रो में लास्ट नॉट डाल रही हूं, ये फोर्थ कॉर्नर है तो यहां भी ट्रायंगल का शेप मिलना है। अब ये लास्ट नॉट भी फिनिश हो गया, यही फर्स्ट रो का पहला नॉट है। अब इसे फिनिश करने के लिए पहले ये फर्स्ट नॉट को थोड़ा सा लूज कर लेना है, इस तरह लूज करके बाद ये रनिंग वायर जो है उसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके वो लूज करे थे ना नॉट, उसमें इंसर्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट वायर जो है उसे इसके अंदर इंसर्ट करके निकाल लेना है, बाद इसे टाइट कर लेना है, अच्छी तरह टाइट कर लेना है, तो यहाँ हमना डबल नॉट मिलेगा। इस तरह करने पे फर्स्ट रो का हाइट इक्वल रहेगा। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, ये वाइट रनिंग वायर को कट कर लेना है। अब ये एक्स्ट्रा वायर को नॉट्स में इंसर्ट कर लेना है। हम सेकेंड रो डालने के लिए पिंक रनिंग वायर को लेना है, उसे जो डबल नॉट डाले थे ना वो नॉट पे अच्छी तरह इंसर्ट कर लेना है। यही हमारा डबल नॉट है, उसके नेक्स्ट नॉट में से हम सेकेंड रो शुरू करनी है। पहले पिंक रनिंग वायर को पहले के जैसा फोल्ड कर लेना है और वो नेक्स्ट वायर को ज्वाइन करके नॉट डालनी है। अब सेकेंड रो में फर्स्ट नॉट फिनिश हो गया, इसी तरह सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। हम जहां शुरू करे थे वहां तक नॉट्स डाल के कंप्लीट करना है। अब सेकेंड रो में लास्ट कॉर्नर डाल रही हूँ, ये पहले के जैसा ट्रायंगल का शेप नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट रो में ट्रायंगल का शेप मिलेगा। अब यही सेकेंड रो का फर्स्ट नॉट है, अब मैं लास्ट नॉट डाल रही हूँ। अब ये लास्ट नॉट कंप्लीट हो गया है। अब पहले के जैसा ये फर्स्ट नॉट को थोड़ा सा लूज कर लेना है। इस तरह लूज करे के बाद रनिंग वायर को इस तरह फोल्ड कर लेना है और जो वायर हम लूज करे थे ना उसके अंदर रनिंग वायर को इंसर्ट कर लेना है। बाद जो नेक्स्ट वायर है उसे ये वायर के अंदर इंसर्ट करके निकाल लेना है और ये नॉट को अच्छी तरह टाइट कर लेना है, तो हमना डबल नॉट मिलेगा। अब सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, अब ये रनिंग वायर को इस तरह पीछे से लेके आना है। डबल नॉट के नेक्स्ट नॉट में ही थर्ड रो शुरू करनी है। पहले के जैसे ही पिंक रनिंग वायर को फोल्ड करके नेक्स्ट वायर में ज्वाइन करके नॉट डालनी है। इसी तरह थर्ड रो कंप्लीट करे के बाद नेक्स्ट रो भी पिंक रनिंग वायर में ही डालना है, मतलब टोटल 3 रोज पिंक रनिंग वायर में डालना है। अब
पिंक में 3 रोज कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ रो का एंडिंग मैं डाल रही हूँ। फर्स्ट नॉट को पहले के जैसा लूज कर लेना है और रनिंग वायर को फोल्ड करके उस लूज करे थे ना उसमें इंसर्ट कर लेना है। बाद नेक्स्ट वायर जो है उसे इसके अंदर इंसर्ट करके निकाल लेना है। अब इसे अच्छी तरह टाइट कर लेना है। अब ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गया है। अब ये पिंक रनिंग वायर को कट कर लेना है क्योंकि फिफ्थ रो हम व्हाइट रनिंग वायर यूज करके डालना है। अब ये रनिंग वायर को कट करने के बाद उसे जो डबल नॉट डाले थे ना उस नॉट में इंसर्ट कर लेना है। अंदर एक 3-4 नॉट्स तक इंसर्ट कर लेना है तभी वो नहीं निकलेगा। अब फिफ्थ रो के लिए व्हाइट रनिंग वायर को लेके वही डबल नॉट में इंसर्ट कर लेना है। अब डबल नॉट डाले थे ना उसका नेक्स्ट नॉट में से फिफ्थ रो स्टार्ट करनी है। अब ये फर्स्ट नॉट कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये फिफ्थ रो को हम कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट रो भी व्हाइट में ही डालना है। पिंक में 3 रोस, व्हाइट में 2 रो और दोबारा पिंक में 3 रो, नेक्स्ट व्हाइट रनिंग वायर में 2 रो, यही पैटर्न ही फॉलो होगा। इसी तरह 15 रोज तक डालना है। मैं 15 रोज तक कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ। अब इस बैग में 15 रोज कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट 16th रो व्हाइट रनिंग वायर में डालना है। यहाँ 3 पिंक 2 व्हाइट, 3 पिंक 2 व्हाइट, यही ऑर्डर रोज में फॉलो हुई है। सिर्फ फर्स्ट रो व्हाइट रनिंग वायर में डाले हैं, बाकी रोज सारा यही पैटर्न पे फॉलो हुई है। अब 16th रो व्हाइट रनिंग वायर में डालना है। इसी तरह डाल के मैं 16th रो में लास्ट नॉट तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पहले के जैसे ही डबल नॉट डाल के फिनिश करना है। अब ये व्हाइट रनिंग वायर को कट कर लेना है। अब ये बैक को इस तरह उल्टी कर लेना है। अब ये सारे एक्स्ट्रा वायर्स को भी नॉट्स में इंसर्ट कर लेना है। थर्ड नॉट पे इंसर्ट करना है और वो वायर जितना लेंथ है उतने को भी नेक्स्ट नॉट में इंसर्ट कर लेना है। इस तरह करने पे 16th रो कंप्लीटली अंदर की तरफ से फोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वायर को भी पहले थर्ड नॉट पे इंसर्ट कर रही हूँ, उसके बाद वो वायर जितना लेंथ है उतने नॉट्स में इंसर्ट कर रही हूँ। इसी तरह सारे वायर्स को भी इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेना है। अब सारे वायर्स को भी मैं इंसर्ट कर चुकी हूँ। अब ये बैक को दोबारा उल्टा कर लीजिए। यहाँ एक्स्ट्रा वायर्स को इंसर्ट करने के बाद 16th रो अंदर की तरफ से फोल्ड हुआ है। अब ये बैग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हैंडल डालने का सिर्फ बाकी है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। इस वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।